So hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. आने में थोड़ी देरी हो गई, थोड़ी मतलब यही 20-25 मिनट की, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं. लेकिन अभी बाहर से फ़िलहाल आया हूँ और 5 मिनट पहले ही आया हूँ. बस मैंने देखा कि समय बीता जा रहा है तो मैं फटाफट आपके सामने खड़ा हो गया. तो चलो खैर कोई बात नहीं, आज वैसे भी जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा. आज बहुत कम में हम ख़त्म करेंगे लेक्चर को और फिर मंडे से एग्ज़ाम्पल को शुरू करेंगे. हाय हेलो सभी को, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग. और एग्जांपल वाटर टैंक का शुरू करेंगे. ठीक है, आज जो है पहले इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन होता है, जैसे कि आपको जो चीज़ें ज़रूरी है जानना वाटर टैंक के बारे में, ठीक है, उन सब चीज़ों के लेकर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लाइव स्ट्रीम में. तो फटाफट आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ लें ताकि वो भी हमारे साथ साथ पढ़ सके. गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जल्दी करो फटाफट जुड़ जाइए. और लोग कहाँ हैं, अपने दोस्तों को अपने साथ ले ले फटाफट. चलो तो अब शुरू करें. अगर आप सभी की अनुमति हो तो हम शुरू करते हैं क्लासेस को. सर अभी तो गुड नाइट हो गया. गुड नाइट नहीं भैया, गुड इवनिंग कहेगी. अभी तो आए हैं, गुड इवनिंग कहेगी, जाते जाते गुड नाइट कहेगी. ठीक है, चलिए भाई साहब तो शुरू करते हैं. ठीक है, चलो तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके सिविल इंजीनियर, लेट्स स्टार्ट. चलो भाई देखो, वाटर टैंक की अगर बात करें हम, जो हमारा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर टैंक के अंदर आपको पहले बता दूं हम आरसीसी की ही बात करेंगे. जीटीयू मतलब जो है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आरसीसी वाटर टैंक की ही बात करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं वाटर टैंक के अंदर कौन कौन सी वाटर टैंक होगी. देखो वाटर टैंक के अंदर तो आपको इसकी कैपेसिटी वगैरह जान पता करना तो आता होगा. ठीक है, आपको पता है कि भाई एक बंदे का जो स्टैंडर्ड एक यूसेज होता है पर डे का, वो 135 लीटर होता है. ठीक है, 135 लीटर पर पर्सन. तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो. बात आती है डिज़ाइन की, तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप होते हैं वाटर टैंक की, अलग अलग टाइप होती है डिज़ाइन को लेकर. कौन कौन सी टाइप होती है ज़रा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, और मैंने आपको कल बता दिया था कि IS कोड इसके अंदर कौन कौन से इस्तेमाल होंगे. ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले बहुत ही बेसिक और जरूरी चीज जो आपको जानना जरूरी है. ओके, सबसे पहली चीज इसके अंदर, पहली जो वाटर टैंक होगी आरसीसी वाटर टैंक, पहली जो होगी वो होगी रेस्ट ऑन ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड मतलब हम कह सकते हैं आरसीसी वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड. ठीक है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड. ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग होती है, इसमें रेक्टेंगुलर होती है और सर्कुलर होती है. ठीक है, उसके बाद वो जो सारी सब इसके कैटेगरीज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, है ना. तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के अंदर. ठीक है, उसके बाद दूसरी जो होगी वो होगी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर टैंक. ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करती है अंडरग्राउंड वाटर टैंक. अगर आपने नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी तो आप सुन लो. ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इसके अंदर भी दो अलग अलग होते हैं. ओके, उसके बाद होती है थर्ड टाइप ऑफ एंड लास्ट टाइप, दैट इज एलिवेटेड वाटर टैंक, अबव द ग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक. ठीक है, एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर तो होती ही है, स्क्वायर होती है, लेकिन जो है इसके अंदर
और भी कई अलग तरह के शेप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिलेंडर स्पेरिकल होती है, या फिर इसके अंदर जो है वो पॉलीगोन टाइप की भी हो सकती है, या फिर इसके अंदर इंच टाइप की भी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके अलग अलग शेप होते हैं वो, क्योंकि जो भी लोकेलिटी में, जो एरिया में ये एलिवेटेड वाटर टैंक बनती है, उसके आर्किटेक्चरल एस्थेटिक को देख कर इसे डिज़ाइन किया जाता है, इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चरल और एस्थेटिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, तो इसलिए उसी के मुताबिक सराउंडिंग जो एनवायरमेंट होता है, जो एरिया होता है, उसी के मुताबिक इसे शेप दिया जाता है, और ताकि वो उसके अंदर जचे, अच्छी लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर आपने शर्ट अलग पहन ली, पैंट अलग पहन ली और चले गए, तो इसलिए इसका गौर किया जाता है ऐसा। तो इसके अंदर थोड़ा अलग अलग शेप आपको देखने को मिलते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर, ठीक है। ये तीन हमारी बेसिक और इंपॉर्टेंट वाटर टैंक है, जिसके अंदर हम थ्रू आउट चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर ये तीनों वाटर टैंक की डिजाइन को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन तीनों वाटर टैंक को डिजाइन किया जाता है और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, हाँ मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया आपकी कमेंट, सेप्टिक टैंक को लेकर भी हम जरूर बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या है कि इसके अंदर क्या है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपके काम की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे पढ़ते हो, और होता क्या है कि बाद में जब एग्जाम के अंदर लिखने का समय आता है तब आप उसे भूल जाते हो, वो छू हो जाती है, ठीक है। तो वो हमें चीजें नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, जिससे आप देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे चैनल का और मेरे पढ़ाने का जो मेन एम है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो जो बेचारे गोते मार रहे अपने बैकलॉग को लेकर, ठीक है, वो पास नहीं हो पा रहे, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पास होने का डर है कि यार हम पास हो पाएंगे नहीं पाएंगे, मतलब बैक आएगी या नहीं आएगी, बैकलॉग वगैरह, ठीक है। तो इन सब लोगों के लिए हम यहां पर आए हैं, हम किसी को यहां पर IIT पहुंचाने, NIT पहुंचाने या गेट क्रैक करवाने नहीं आए हैं। मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन जो मकसद है वो यही है कि जिन लोगों को सहारे की जरूरत है असल में, मैं उन लोगों की मदद करूं, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आप जो है ये स्टेप पढ़ा देते हो, ये बेसिक चीजें पढ़ा देते हो, लेकिन आप बेसिक मतलब जो उसके कोर कंसेप्ट बहुत जो डीप में जाते हैं वो नहीं जा पाते, जिससे हम आगे समझ नहीं पाते प्रैक्टिकल लाइफ में डिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो भाई मेरा उद्देश्य वो नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोगों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम है, कोचिंग क्लास नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन सब लोगों के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने जहन के अंदर इस चीज को फिट करना है, और जिसने भी सुपर चैट किया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसका नाम है, जरा मैं शॉर्ट आउट कर देता हूं, SKS, अच्छा उन्होंने भी शॉर्ट नाम रखा है SKS, जिन्होंने 20 रुपीज का भी जो है सुपर चैट किया है, थैंक यू सो मच SKS। चलो तो ये तीन बेसिक हमारी टैंक होगी, जिसके बारे में हम थ्रू आउट द चैप्टर बातें करेंगे, जिसके अंदर जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है इसके अलग अलग दो टाइप होती है, अंडरग्राउंड की अलग अलग दो टाइप होती है, एलिवेटेड के अंदर दो तीन टाइप और होती है, ठीक है। एलिवेटेड वाटर टैंक के अंदर एक तो रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर और इंच टैंक, हम ज्यादातर इसके अंदर जो है इंच टैंक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंच टैंक के अंदर जो पूछने के इसके जो चांसेस है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको लेकर ज्यादा फोकस करेंगे आगे बढ़ेंगे तब, ओके। अभी फिलहाल हम बात करते हैं रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के बारे में। देखो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के अंदर भी दो डिफरेंट केसेस होते हैं। अच्छा सुनो, एक जरूरी चीज, ठीक है, कोई बात नहीं, SKS आपको कल ड्यूटी पे जाना है तो कोई बात नहीं, आप आज जो है सो जाइए फटाफट और कल आप ड्यूटी पे जाइए, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। और ये ऐसी चीज है यार, ये देखो ऑनलाइन स्टडी ऐसी है अभी कि अभी आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी है कि आज मैं अभी लाइव हूं तो आप लाइव भी देख पाओगे, आप कभी भी देख सकते हो एनी टाइम, ओके। तो कल देख लीजिएगा, मतलब आपको जो जब टाइम मिले तब देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो देखो, अब मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ये क्या है, टॉप व्यू हम देख रहे हैं इसका, हम क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है जो डिजाइन करनी है आपको, वो कौन सी होती है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वाटर टैंक हम डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिसे डिजाइन किया जाता है, वरना ऐसे थोड़ी नाम चलते कि भाई चलो चले, मतलब हमें पता ही नहीं है कौन से कंपोनेंट को डिजाइन करना है एंड व्हाट वी आर डूइंग, ओके। तो हमें वो सब नहीं करना है, ठीक है। इनके अंदर जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिजाइन करनी होती है वो तीन कंपोनेंट होते हैं भाई साहब। सबसे पहली चीज जो होती है वो इसे हम कहते हैं लॉन्गर वॉल, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गर वॉल, क्योंकि ये लॉन्ग होती है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो इसे हम लॉन्गर वॉल कहते हैं, तो लॉन्गर वॉल को डिजाइन करना होता है। दूसरी बात, जो शॉर्ट वॉल है उसे हम शॉर्टर वॉल कहते हैं, उसे हमें डिजाइन करना होता है, ठीक है। लॉन्गर वॉल, शॉर्टर वॉल, उसके अंदर बाद जो है उसके बाद जो बेस स्लैब होता है उसका, ठीक है, बेस स्लैब जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों को आपको डिजाइन करना होता है। टॉप जो होता है उस
उसका वो उतना महत्व नहीं रखता है, वो एज अ कवरिंग ही प्रोवाइड होता है। तो उसके अंदर आपको जो नॉमिनल नॉमिनल जो चीजें होती है वो आप प्रोवाइड कर दो तो इनफ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है जो मैंने आपको अभी बता दी है। अब बात करते हैं इसके अंदर भी और कंडीशन से भाई लोग, इसके अंदर जो है कुछ कंडीशन है। IS 3370 पार्ट 4 ने आपको बताया है, IS 3370 पार्ट 4 ये कहता है आपके पास कि भाई ये इसके अंदर दो अलग अलग कंडीशन आपकी निकल जाएगी। किस चीज को लेकर? दो अलग अलग कंडीशन आपकी निकलती है इसके अंदर एल बाई बी रेशियो को लेकर। L by B ratio मतलब क्या है? L is this and B is this. L is longer, B is shorter, ठीक है। और किसी ने अभी सुपर चैट किया है जिसका नाम है गौस सौदागर, थैंक यू सो मच यार, आपने सुपर चैट किया है, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सुफियान, लव यू टू ब्रो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, हमने L by B ratio जो है, अब इसके ऊपर ये कहां है आपको मिलेगा, आपको ये IS 3370 पार्ट 4 के अंदर इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको आसान भाषा में यहां पर सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है। L by B ratio दो कंडीशन से इसकी, ठीक है। L by B ratio एक तो होता है लेस देन 2, और L by B ratio एक तो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। L by B ratio less than 2 और L by B ratio greater than equal to 2, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से अपने आप को कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। L by B ratio less than 2 और L by B ratio greater than equal to 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये कहते क्या है, इसका मतलब क्या है, और हमें क्यों पढ़ने को ये आ रहा है, ठीक हो। चलो आपको IS क्या कहता है, आपको IS कोड क्या कहता है, IS कोड आपको क्या कहता है कि ये भाई जो है इसके अंदर पहला अगर केस देखे हम के IS कोड के अंदर IS 3370 पार्ट 4 के मुताबिक L by B रेशियो अगर लेस देन इक्वल टू 2 हुआ तो इसकी जो वॉल्स है आपकी, ये जो चारों वॉल, मतलब ये दो वॉल लॉन्गर हो जाएगी, दो वॉल शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फोर वॉल्स है ये आपको किस तरह से डिजाइन करनी है, इनका उद्देश्य ये है, ठीक है। ये क्या आपको आदेश दे रहे हैं इसके अंदर, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर L by B रेशियो लेस देन 2 होता है तो आपको ये जो वॉल्स है इसके अंदर एक नया टाइम ऐड कर रहे हैं वो लोग। अब मुझे यहां पर जो है इसका साइड व्यू जो है आपको ड्रॉ करके बताना होगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा साइड व्यू है, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। ये मान लीजिए उसका आप साइड व्यू देख रहे हो, आप उसको मतलब एलिवेशन देख रहे हो उसका, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो उसे, तो ये उसकी हाइट हो जाएगी टोटल, ये टोटल हाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है, यहां से लेकर यहां से टोटल हाइट हो जाएगी। अब आपको IS कोड क्या कहता है, IS कोड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वॉल्स है आपकी, यहां से स्मॉल h डिस्टेंस, मतलब के ये होता है कैपिटल h बाय 4 या फिर 1 मीटर, ये डिस्टेंस है स्मॉल h। स्मॉल h इज नथिंग बट h बाय 4, कैपिटल h बाय 4 और 1 मीटर, विच एवर इज मोर, जो भी इसमें से बड़ी वैल्यू होगी वो आपको स्मॉल h कंसीडर करना होता है। कंसीडर करना क्या करना होता है आपको, स्मॉल h, स्मॉल h इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एच बाय 4 और 1 मीटर, विच एवर इज मोर, जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपको स्मॉल h की वैल्यू बॉटम से टॉप तक कंसिडर करनी है, ठीक है, मतलब यहां तक बॉटम से, ओके। तो ये IS कोड आपको क्या कहता है कि इसके ऊपर जो ये, अब ये जो वैल्यू, ये जो वाली बची है, ये जो हाइट बची है कितनी होगी, ये h माइनस स्मॉल h हो जाएगी ना, ये कितनी हाइट होगी आपकी, ये जो बची हुई हाइट है ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल h माइनस स्मॉल h हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो हाइट है, इस हाइट की जो सारी वॉल है ये आपको एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करनी होगी, एज अ फ्रेम आपको डिजाइन करनी होगी, ठीक है। क्या करनी होगी आपको, एज अ फ्रेम डिजाइन करनी होती है। और ये IS कोड आपको क्या कहता है कि ये जो आपका बॉटम पोर्शन बचा है इसके बारे में क्या, तो ये जो बॉटम पोर्शन है ये आपको एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना होता है। क्या करना है, एज अ कैंटिलीवर पोर्शन आपको डिजाइन करना है। इसका भी कुछ रीजन है, इसके भी कुछ कारण है, क्यों, क्योंकि देखो आपको यहां पर पता है कि टैंक के अंदर पानी भरा होगा जब, तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर डेप्थ में जाते है, वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बॉटम में सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे वो जीरो मतलब हो जाएगा, ठीक है, टॉप के अंदर। तो इसका मतलब ये आपको IS कोड क्या कहता है कि यहां पर जो है इस डेप्थ के अंदर मैक्सिमम आपका जो प्रेशर होगा वो यहां पर इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है, ये वॉल। तो ये जो पोर्शन है एच का, ये आपको एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना होगा। क्या करना होगा, एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना होगा ड्यू टू द डेप्थ ऑफ वॉटर एंड द हाइड्रोडिस प्रेशर ओवर देयर, ओके। और ऊपर जो है यहां पर मिनिमम हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर आप अगर पूरी जो वॉल है अगर कंटीन्यूअस फ्रेम आप डिजाइन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये आपको आईएस कोड ने कहा, अगर आपका एल बाई बी रेशियो लेस देन 2 होता है तो समझ में आ गया आप सभी को, यस और नो जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया एल बाई बी रेशियो लेस देन 2 वाला कंसेप्ट, ताकि हम आगे बढ़े और एल बाई बी रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के ऊपर पहुंचे। फटाफट चलो मुझे रिप्लाई करो कितने लोगों को समझ में आ गया है कि सर ये बिल्कुल सिंपल है और आसान सा फंडा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है ये, ठीक है जल्दी करो जल्दी करो फटाफट फटाफट फटाफट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करो कम ऑन हरी अप, बताओ मुझे कितने लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो यस, और नहीं आया तो मुझे आपका सवाल बताओ क्या आपको नहीं समझ में आया इसके अंदर, डाउट बताओ मुझे जल्दी करो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हरी अप जल्दी करो, ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, और कोई है चीज समझ में आ रहा है, या और कोई है चीज समझने की और अभी जरूरत है? हरी अप ठीक है। सचिन मसार क्या प्रॉब्लम है आपको बताओ मुझे, सचिन को क्या प्रॉब्लम है जरा मुझे बताओ, मैंने आपको कहा सचिन आपको जो भी प्रॉब्लम बता दिया मुझे बताओ मुझे, चलो तब तक मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ठीक है। चलो तो ये L by B रेशियो लेस देन 2 वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर आपको जो बॉटम पोर्शन है चारों चार वॉल्स के अंदर H का जो पोर्शन है वो आपको एज अ कैंटिलीवर, ऊपर का आपको फ्रेम डिजाइन करना है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले किस्से की, ठीक है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर होता है आपका रेशियो तो इसके अंदर आपको IS कोड क्या कहता है, IS 3370 पार्ट 4 आपको ये कहता है कि जो आपकी लॉन्गर वॉल्स है, ध्यान से सुनिएगा जरा, इसके अंदर थोड़ा आपको ट्विस्ट लग सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ये आपकी जो लॉन्गर वॉल्स है ये लॉन्गर वॉल्स आपकी एज पूरी कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक आपकी जो है ये कैंटिलीवर डिजाइन होगी, लॉन्गर वॉल आपकी कैसी डिजाइन होगी, कैंटिलीवर डिजाइन होगी ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ओके आपकी लॉन्गर वॉल पूरी ऊपर से नीचे तक कैंटिलीवर डिजाइन होगी। अब बात करते हैं शॉर्टर वॉल के बारे में, तो शॉर्टर वॉल के अंदर क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि आपका जो स्मॉल एच है वो तो आपका कैंटिलीवर ही होगा, स्मॉल एच ही सिर्फ कैंटिलीवर होगा, लेकिन जो ऊपर का जो टॉप पोर्शन है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इन शॉर्टर वॉल ओनली, वो आपका कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, मानो एक स्लैब जो है दो लॉन्गर वॉल पे या दो सपोर्ट पे सपोर्टेड है, ठीक है ये आपका इस तरह से सिंपली डिजाइन होना चाहिए, एक ऐसा स्लैब जो माने दो लॉन्गर वॉल पे या दो सपोर्ट पे सपोर्टेड है, इस तरह से जो ऊपर का पोर्शन होता है शॉर्टर वॉल का वो डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था उद्देश्य उन दोनों केसेस का जो आपको IS 3370 पार्ट 4 के अंदर कहा गया है, इतना आपको समझ में आ गया है, यस और नो हरी अप जल्दी करो, गिव मी द आंसर, इतना आपको समझ में आ गया है दोनों केसेस के अंदर आपको करना क्या है ताकि हम आगे बढ़े, फिर जल्दी करो। आज वैसे भी बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ज्यादा है भी नहीं, ठीक है बहुत कम ही है और ज्यादा कुछ इतना ये भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है ज्यादा इसमें ज्यादा क्लियर आपको कब होगा, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके, जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा इसके अंदर, ठीक है अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं आएगा शायद, तो हम एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ देख लेंगे। डिजाइन कॉन्स्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर भाई साहब, डिजाइन कॉन्स्टेंट जो होता है उसके अंदर कुछ अलग अलग उसके कैलकुलेशन है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के दौरान ही समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आपको सब ऊपर से जाएगा या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है तो वो अपन नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि अपन जो है किसी भी चीज को जो है एक अलग अंदाज में सिंपल तरीके से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जो मेरी हमेशा कोशिश जारी रहेगी और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी मैं आपको डिजाइन कांस्टेंट पढ़ाऊंगा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो अभी मैं आपको डिजाइन कांस्टेंट नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको साथ में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं, एक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो इसके अंदर शायद आपको थियरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पता है आपको, जॉइंट की, कौन कौन से जॉइंट होते हैं वाटर टैंक के अंदर, तो ये जो जॉइंट है ये जॉइंट आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है आसान है, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो मैं समझाने लगूंगा तो आपको एक कथा लगेगी, मान लो आप एक कथा में बैठे हो किसी बापू की, तो वो अपन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है जो है आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, सिंपल है बहुत मुश्किल नहीं है आसान है, समझ में ना आए तो मुझे पूछ लीजिएगा बाद में। उसके बाद डिज़ाइन कॉन्स्टेंट ने आपको बता दिया है कि हम बाद में कर लेंगे उसको, ठीक है, और मैंने केसेस आपको बता दिए हैं कौन कौन से केसेस इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब हम अगर बात करें डायरेक्ट तो इसके अंदर देखो डिज़ाइन के अंदर होता क्या है, कौन सी बुक है मेरे पास, जो बुक है वो है डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ऑथर है इनके डॉक्टर आर पी रेठालिया और पब्लिशर है अतुल प्रकाशन,
ठीक है। तो ये बुक का स्पेसिफिकेशन, अगर आप गुजरात से हो तो आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी ये, बाहर से हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। चलो तो और भी देखो बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, अगर मैं आज ही सारे केसेस डिस्कस कर लूँ तो आपको बहुत सारा बोझ आपके माइंड में लगेगा कि यार ये क्या पढ़ लिया हमने आज, क्यों पढ़ लिया ऐसा, मतलब ये जुल्म क्यों हम पे हुआ है। तो वो मैं जुल्म आप पे नहीं ढाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ाता कभी भी, आपको टुकड़े टुकड़े में पढ़ाता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर पार्ट पार्ट करके तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और इतिहास गवाह है इस चीज़ का, DSS मैंने आपको करवाया था, इसे मतलब आपके सीनियर्स को इसी तरह से करवाया था, और यकीन मानिए वो लोग इतने खुश हुए थे कि मतलब वो कुछ लोगों का DSS जो है फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। तो इसी तरह से आपका भी मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी तरह से कि DRCS आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको, अचीव कर सको और आपका पासिंग का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये है और जरूरी बात इसके अंदर, हाँ एक जरूरी चीज, अगर हम स्टेप्स की बात करें, अगर हम बात करें स्टेप्स की कि भाई रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की अगर हम डिजाइन करें तो स्टेप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टेप इसके अंदर जो है दो मतलब थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं। आपको सबसे पहले इसके अंदर डिजाइन कॉन्स्टेंट निकालना होता है, कल मतलब आपकी जो हमारी क्लास होगी शायद मंडे को होगी, ठीक है। तो हम मंडे को क्लास लेंगे या फिर आप हाँ मंडे को ले लेंगे शायद, ठीक है। मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, जो भी है ग्रुप के अंदर आप रहिएगा, आपको ग्रुप में बता दूंगा अपनी, ठीक है। तो जब भी हमारे नेक्स्ट क्लास होगी ना तो हम उसके अंदर जो बता मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर कि जो डिजाइन कांस्टेंट किस तरह से निकाले जाते हैं। और हाँ स्टेप्स की अगर बात करूं मैं तो स्टेप्स के अंदर होता क्या है कि भाई आपको क्या करना है, स्टेप के अंदर आपको सबसे पहले डिजाइन कांस्टेंट है, उसके बाद अगर ये केस है हमारा तो इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये निकालना होता है। उसके बाद आपको लॉन्गर वॉल का डिजाइन करना होता है, शॉर्टर वॉल का डिजाइन करना होता है, ठीक है। और आपको जो कैंटिलीवर पोर्शन होता है बॉटम का उसका डिजाइन करना है, इतना आपको डिजाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम इस पोर्शन की, ठीक है, इस पोर्शन की इतने स्टेप होगी इसके अंदर, ठीक है, ये पहले वाले में इतने स्टेप होते हैं। दूसरे की अगर बात करें तो क्योंकि ये फ्रेम, अब जब भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना, जब भी आपका फ्रेम होता है तो आपको ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, लेकिन अगर आपका फ्रेम ना हो तो फिर आपको ये दो सीधे कट हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट लॉन्गर और डिजाइन कॉन्स्टेंट निकालो, लॉन्गर पे डिजाइन करो, शॉर्टर पे डिजाइन करो, रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करो और कैंटिलीवर पोर्शन उसके डिजाइन करो, खत्म, ठीक है, इतना ही होता है आपको। तो बहुत सिंपल जी, ये वाटर टैंक का जो डिजाइन एग्जांपल्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई साहब, आप एक बार करोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या है, ठीक है, बहुत आसान है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा इस लेक्चर को नहीं खींचेगी आज हम, नेक्स्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट एग्जांपल को मैं शुरू करूँगा। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ और आपके लिए सबसे अच्छी और बेस्ट कोचिंग देने की ट्राई करूँ। अब तक समझ में आपको, देखो आज वैसे तो अगर आप कह सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, आज हमने क्लास के अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ मजाक किया है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ के। आज देखो मैं नाम के लिए ऑनलाइन आया हूँ, मैंने आपको कल कहा था, मैंने जबान दी थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, इसलिए मैं आज ऑनलाइन आ गया हूँ। वरना अगर मैं आज भी नहीं आता तो कई लोगों का भरोसा विश्वास उठ जाता टेक्निकल सिविल से कि सर यार ऐसे ही बोलते और खत्म, मतलब आते ही नहीं फिर लाइव, ठीक है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं अपने जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है, कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ कैलकुलेशंस है या कुछ फॉर्मूलाज है, जो भी है वो हम सारी चीज़ें ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मैं पहले ही बता दूं आपको तो कन्फ्यूजन उसके अंदर डेफिनेटली होगा, ये मेरा तजुर्बा कहता है मुझे, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि सर क्या करवा रहे, कैसे करवा रहे। तो हाँ द सिविल इंजीनियर कह रहे हैं कि प्लीज टीच अस अबाउट स्टील। स्टील का जो पूरा सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया है डियर, हमने जो है स्टील पूरा खत्म कर दिया है। तो आप जो है स्टील हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर स्टील के सब्जेक्ट स्टील के लेक्चर्स मिलेंगे, आप उसके प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो और कोई आपके कोई सजेशन हो, कोई आपकी डिमांड हो तो बता दो मुझे फटाफट, वरना आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू करेंगे वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का। तो आपको IS 45670 Part 4 लेकर आना है, उसके सारे पार्ट्स में अवेलेबल, आपने शायद मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लिया होगा, लेकिन 3370 Part 4 मतलब उसके सारे जो अलग अलग पार्ट है, चार पार्ट, वो नहीं है, ठीक है। सर BIM, हाँ क्या कहना चाहते हो बोलो BIM के बारे में। हाँ ओवरहेड स्टील का भी है लेकिन हम नहीं करेंगे उसे, हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमारे GTU के सिलेबस में स्टील की टैंक नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे।
और क्योंकि हम ये पूरा जो कोचिंग क्लास है इस तरह से जो लाइव में करवा रहा हूँ ये मैं GTU के सिलेबस को लेकर ही करवा रहा हूँ। ओके, बट एक्चुअल लाइफ में, अच्छा एक्चुअल लाइफ की आपको प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है मैं आप वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, ट्रैफिक का अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी सब स्टील का होता है, ठीक है तो अभी सब स्टील का होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो RCC पूछा जा रहा है भाई साहब। हम अगर गुजरात से, अगर आप गुजरात से हो तो आपको पता होगा, ठीक है तो गुजरात के अंदर जो है RCC पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो गौ सौदागर कह रहे कि सर BIM के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए, उसमें करियर बनाना हो तो एक काम कीजिए आप अभी ऑटोकैड में आ जाइए, ठीक है आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ऑटोकैड के अंदर सारी आपको मैं डिटेल देता हूँ BIM की, क्या करना है आपको उसके अंदर, ओके ना। तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, ऑटोकैड के अंदर मिलते हैं अपन, अभी कुछ देर के अंदर ही ऑटोकैड शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है मुझे। तो ऑटोगेट में आइए, गौस सौदागर वहाँ मिलते हैं, आप तो हमारे मेंबर हैं तो ऑटोगेट के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे, और आज जो ऑटोगेट के अंदर है फॉर ओनली मेंबर चैट होगा, ठीक है फॉर ओनली मेंबर्स। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और ख़त्म करते हैं आज की इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए एग्जाम्पल को शुरू करेंगे वाटर टैंक के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार हो गए उसके लिए और तैयार होकर आएंगे, और जितने भी लोग हैं जिसने लाइक किया है, जिसने सुपर चैट किया है, जिसने हमें सब्सक्राइब किया है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, बाय बाय, शुभ रात्रि।